हमेशा अपने बेबाक स्टाइल की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मनु महाराज को पटना पुलिस ने विदाई दी है। जहां पत्रकारों से मनु महाराज ने भोजपुरी में बात करते हुए कहा कि हिमाचल से यहां आकर वे 99% बिहारी हो गए हैं। पटना ने मुझे जो प्यार दिया है उसकी ऊर्जा से मुंगेर में काम करूंगा। वादा करता हूं कि आप लोगों की दी हुई प्रतिष्ठा को और ऊंचा करूंगा। ये बातें मुंगेर रेंज के DIG मनु महाराज ने गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित अपने विदाई समारोह में कही। कभी दबंग तो कभी सिंघम के नाम से चर्चा में रहने वाले मनु महाराज अपने विदाई समारोह में भावुक हुए दिखे। बता दें कि मनु महाराज की दबंग स्टाइल से अपराधी भी खौफ खाते हैं। मनु महाराज पटना में अपराधी नियंत्रण और पुलिस को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते थे। मनु अक्सर देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शहर में कभी बाइक से तो कभी साइकिल से गश्ती करते निकल जाया करते थे। इसी क्रम में उन्होंने पटना शहर को अपराध मुक्त रखने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की, जिसमें शहर में अपराधी की छोटी मोटी घटनाओं पर रोक लगाने के मकसद से पुलिस के जवानों को साइकिल दी गई, जिसका नाम दिया गया साइकिल गश्ती दल। साइकिल से गश्ती करने के पीछे भी मनु महाराज की कुछ अलग ही सोच थी। उनका मानना है कि वाहन से गश्ती करने पर वाहन की आवाज़ सुनकर अपराधी भाग जाते थे, इसलिए साइकिल से गश्त करने की मुहिम शुरू की गई। गश्त करने वाले पुलिस वालों को ये निर्देश दिया गया था कि अगर उन्हें किसी वारदात की भनक मिलती है तो वो तत्काल इसकी सूचना सीनियर अफसर को दें। गली में भी घूमते हैं, ATM में भी घूमते हैं, थोड़ा अगर बैठना होता है तो ATM के साथ पास हम लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं, गश्ती करके आते हैं, ATM के पास थोड़ा ज्यादा करके ATM में समय देते हैं। ये ठंड को लेकर के कुछ स्पेशल आप लोगों को कुछ मिला हुआ है? कुछ मिला नहीं है सर, हमको क्या मिलेगा, जो है साइकिल मिला है, गश्ती करते हैं, कितना ठंडी है तो गश्ती तो करना है, ड्यूटी करना ही पड़ेगा। कितना बजे सुबह तक रहता है? 5 बजे 10 से 5 तक। और साइकिल और बस डंडा लेकर? तो मतलब मेन क्या उद्देश्य? चोर को? चोरी जो होता है ना, इसीलिए चोरी के चलते हम लोग पूरा गली वगैरह भी घूमते हैं, उसके बाद ATM वगैरह भी देखते हैं, रात भर गश्ती करते हैं। सब मनु महाराज का लगाया हुआ सर। तो मनु महाराज को कितना मिस कर रहे हैं, आज तो वो चले गए मुंगेर के, वो DIG बन गए हैं। जी सर, क्या करूं, तो ड्यूटी लगा के ही गए हैं, जो थोड़ा चोरी कम हुआ। अच्छा, आप भी मानते हैं कि मतलब इस चीज से चोरी कम हुई? चोरी कम तो हुआ है सर। कम हुआ, कम हुआ, चोरी कम हो गया है सर। अच्छा, मनु महाराज को आप लोग कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं सर। मनु महाराज थे, उनका माने बहुत अच्छे अफसर थे। अच्छा, मान लीजिए कुछ बड़ा क्राइम जैसे होता है तो फिर आप लोग बाकी टीम को भी बुलाते हैं क्या रात में? तो वायरलेस देखते हैं कि ज्यादा करके दिक्कत तो होता है, हम लोग से संभालने वाला नहीं है, तो हम लोग अपना थाना वाले को फोन कर देते हैं, आके अपना टेकअप कर लेता है, इसलिए हम लोग को हथियार मिला नहीं है। इस साइकिल की खास बात ये होती थी कि इसमें डंडा रखने की जगह बनी हुई है, सायरन और टॉर्च लगा हुआ रहता था। हर एक जवान के पास एक एक CT और एक टॉर्च भी रहता है। पुलिस वाले रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अलग अलग थाना के इलाकों के गली मोहल्लों में घूमते रहते थे। कितना दूरी रेंज है आप लोगों का, मतलब कितना दूर का गश्ती करते हैं? बुझिए सर, मोटा मोटी रात भर में हम लोग माने कोई ठीक है नहीं रहता है कि कितना 30 किलो 40 किलोमीटर तक सर हम लोग साइकिल चला लेते हैं, बस ये पड़ जाता है। आपका कौन सा जोन में आ रहा है ये वाला, कौन सा जोन में? ये आपको राजीव नगर थाना के अंतर्गत बाजार है, राजीव नगर मार्केट है। कुछ लोग का रामनगरी में भी ड्यूटी लगा हुआ, मजिस्ट्रेट कॉलोनी। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ तक ये आप लोग करते हैं? एक नंबर से लेके 23-24 तक 25 तक पूरा गश्ती करते हैं हम। तो रात में कोई दिक्कत आप लोगों को, रात में नींद वेंद का ऐसा ना, कुछ सर आदत सी हो गई? कितने कितने कब से काम कर रहे हैं? मतलब अभी अगर आप लोगों की जो दिक्कत देखा जाए, वो क्या दिक्कत होती है अभी गश्ती में? दिक्कत क्या होती है सर, ठंडा तो लगता है, ठंडा या प्रॉब्लम तो लगता है, क्या करें हम लोग, ड्यूटी होता है, ड्यूटी तो करना ही है, करना ही पड़ेगा। कितने समय से ये चल रहा है, मनु महाराज ने कब स्टार्ट किया था इसको? मोटा मोटी 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया सर। अच्छा, 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है। 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो कितने लोगों का टीम आपका निकलता है? एक थाना में 10 टीम है। अच्छा, अभी तो 8 माने 10 टीम था, लेकिन अब कुछ सिपाही कम हो गया, इसी में से कुछ लोग दूसरा दूसरा जगह चला गया, था अभी हम लोग की टीम में 8 आदमी है, 4 आदमी रामनगरी में है, 4 आदमी यहाँ पर राजीव नगर।
और पैदल भी गश्ती है, और भी गश्ती है, साइकिल गश्ती है, मोटरसाइकिल गश्ती है, जीप गश्ती है, पूरा गश्ती एकदम टंच होता है। रात में मतलब एकदम चौक चौबंद व्यवस्था है, कोई आता जाता है उसको लोग जांच पड़ताल करते हैं, इंस्पेक्टर साहब भी आते हैं, संतुष्टि होता है भी आते हैं, तब हम लोग उसको जाने देते हैं। संतुष्टि नहीं होगा तो दिक्कत होगा, तो उसको लोग पकड़ के थाने ले आते हैं। एक एक करके नाम बस बता दीजिएगा अपना सबको। मणिभूषण वाजपेयी। आपका? राजेंद्र सिंह। उमेश भगत। आप लोग का? रामनंदन प्रसाद। आपका? अमर सिंह। आपको बता दें कि साइकिल गश्ती दल का मजाक भी बनाया गया था और कहा जा रहा था कि अपराधी मोटरसाइकिल पर रहते हैं और पुलिस के जवान साइकिल पर, इससे अपराध पर कैसे लगाम लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी केन्या और दिल्ली की तर्ज पर पेट्रोलिंग के लिए पटना पुलिस को साइकिल दी जा चुकी है, जिससे सुरक्षा को लेकर और बढ़ावा मिला है। साइकिल गश्ती दल की शुरुआत केन्या में हुई थी। केन्या पुलिस ने साल 2013 में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अपने पुलिस कर्मियों के लिए साइकिल की व्यवस्था की थी। इससे केन्या पुलिस को दो फायदे हुए। एक, गली मोहल्लों में चोरी की घटनाओं पर तत्काल पुलिस पहुंच जाती थी। साथ ही साइकिल चलाने से पुलिस कर्मियों को फिटनेस के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ता था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपने पुलिस कर्मियों को साइकिल उपलब्ध कराई थी। वजह, राजधानी की घनी आबादी में बाइक या कार जब नहीं पहुंच पाती थी तब तक अपराधी फरार हो जाते थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने साइकिल का प्रयोग अपनाया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।